चलिए, तो अभी हम यहीं पे ही थे बच्चे। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? सर, अगर आपका ये डेवलप्ड है तो अब मैं आपके साथ क्वेश्चन में अब कुछ चेंजेस करने जा रहा हूँ, जो एग्जिस्टिंग क्वेश्चन है हमारा। सर, क्या आप तैयार हैं? हाँ सर, आइए बेटा, ये क्वेश्चन देखो। ये मैंने स्टैंडर्ड अभी सिंपल क्वेश्चन बनाया था। अब मैं इसमें दो बातें जोड़ूंगा और हो सकता है एक बात जोड़ूं, तो देखते हैं। ठीक है, एक बात बताओ, आप कंसाइनर की कॉस्ट कितनी है सर? 50 रुपये। कंसाइनी इसको बेच कितने का रहा है सर? 150 रुपये। तो मोटा मोटी बाकी खर्चों को सेट असाइड अगर करूं, क्या मैं बोल सकता हूं मोटा मोटी 100 रुपए का पर यूनिट, कहने से 100 रुपीज पर यूनिट का प्रॉफिट बना रहे हो आप? मतलब बेसिकली 200% मुनाफा, 200%। 50 रुपये कॉस्ट, 50 का 100 गुना कितना होता है? 100 गुना नहीं, 100%। 50 का 100% क्या होता है? 50। और फिर दोबारा 100% करूं तो 50, तो 200% प्रॉफिट है मेरा। क्या ये बात कंसाइनी जब देखेगा कि तुम्हारी कॉस्ट तो भैया 50 रुपये की है, तुम 150 का बेचते हो और मुझे सिर्फ कितना देते हो तुम? 10%, 1,35,000। ये कंसाइनी जब देखेगा, मोटा मोटी आइडिया लगाएगा, तो वो कोई कोई यार खुद तो ये 6 लाख रुपए कमाता है यार, मेरे को 1 लाख देता है और मेहनत सारी मैं ही कर रहा हूं। तो ये बात दिमाग में आएगी नहीं आएगी? हाँ सर, आती है सर। तो बेटा, मैं यहां पे आपको ये बोल रहा हूं, कंसाइनर जब कंसाइनी को गुड्स भेजेगा ना, तो ये 50 रुपए की कॉस्ट है ये इसको नहीं बताएगा सर। ठीक है, ये जो कॉस्ट है ना 50 रुपए, ये इसको नहीं बताएगा। तो क्या बताएगा सर? देखो, आप ओरिजिनली, आप ये समझना, आपको तो ये बात पता है ना, अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो 50 रुपए कॉस्ट है। वो क्या बोलेगा सर? बेटा वो बोलेगा कि जी कंसाइनी जी, मिस्टर बी, तुमको गुड्स भेज रहा हूं और तुम्हें इन गुड्स को क्या, इस 150 को क्या बोल रहा हूं मैं? इनवॉइस वैल्यू या इनवॉइस प्राइस, यानी कि लैंग्वेज समझना। कंसाइनर सेंड्स गुड्स ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनी एट इनवॉइस प्राइस, एट इनवॉइस प्राइस ऑफ ₹150। सर, इनवॉइस प्राइस क्या होता है? देखो, मान लो आप सारे बच्चे जो हो वो कंसाइनी हो, आप सारे बच्चे क्या हो? कंसाइनी। मेरे पास ये जो पेन है ये 50 रुपए का है, ठीक है। अब क्या होगा, मैं नहीं चाहता कि आपको मेरी कॉस्ट पता लगे, क्योंकि आप सेल कर रहे हो, आप डिफरेंस निकाल के प्रॉफिट निकाल लोगे। तो मैं आपको बोलूंगा, बच्चों ये पेन पकड़ो और मार्केट में जाके 150 की बेचो। ठीक है, मैंने क्या बोला? बच्चों ये पेन पकड़ो और मार्केट में जाके 150 की बेचो। ये 150 क्या हो गया? इनवॉइस प्राइस। फिर बच्चे खुरापाती होते हैं। मेरे पास जैसे मान लो कपिल आ गया, कपिल कहते सर 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 इसकी कॉस्ट कितनी है सर? कॉस्ट? मैंने कहा ओ भाई चुपचाप जाके बेच, कॉस्ट के बारे में ना पूछ। कॉस्ट का तुमने क्या करना? कपिल जी आपको बस मार्केट में जाना है और आपको बोलना है 150 150 150 150। जितने भी बच्चे हैं अपने, कपिल, अभिषेक, अनुराग, अमित, समझ रहे हो, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, मैं हर बच्चे का भी नाम लूंगा तो 15 मिनट अभी उस नाम में लग जाएगा। ठीक है, तो बस आपको मार्केट में जाके क्या करना है? काल का जमा 150 150 150 150 क्वेश्चन ना बताऊंगा भाई, समझ रहे हो। तो बेसिकली मैंने एक नया टर्म डाल दिया आपका, इनवॉइस वैल्यू। सर क्या हमें क्वेश्चन में पता होगा कि कॉस्ट क्या होगी? हाँ बेटा बताओ।
अब आ जाइए, ये चेंज हो गया सर। हाँ अब समझना क्या होगा। आप इसको 50 पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आप जो पहली फिगर है उसको 150 पे रिकॉर्ड करेंगे। सर मतलब अगर हमें कॉस्ट भी दिया हुआ है और अगर हमें इनवॉइस प्राइस भी दिया हुआ है तो हमें इनवॉइस प्राइस लेना है। पहला प्रिंसिपल तो ये सेट कर लो, ठीक है। तो एक बार सर ऐसा क्यों कर रहे, दो चार मिनट रुक जाओ, अभी आपको आपके सामने आंसर मिल जाएगा। कितना आ रहा है बस ये बता दो, 10,000 × 15 लाख। ठीक है साहब। सर एक बात बताओ, आप तो कहते थे सर कि ये सारी जो है ये कॉस्ट है, खर्चा ही थे ना ये, यहाँ पर ये इनकम है। बट सर हमने तो यही इनकम 150 की जो बेचनी है, यहाँ पे भी मैं अगर 150, ये सेल क्या है 9,000 × 150, क्या ये 9,000 × 150 नहीं है? हाँ, तो सर प्रॉफिट कैसे निकलेगा फिर? आप तो कॉस्ट साइड पे भी, खर्चों की साइड पे भी 150 लिखोगे और यहाँ पर भी सर आप 150 लिखोगे, तो प्रॉफिट आ सकता है क्या? जब मैं दोनों साइड ही सेल प्राइस की वैल्यू से कर दूं तो प्रॉफिट कैसे आएगा मेरे भाई? उसके लिए अब आप समझना, आप यहाँ पे डालेंगे बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, समझ रहे हो, बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितना बेटा? जितना भी एक्सेस है ना, 10,000 × अब मुझे ये बताओ तुम्हारी कॉस्ट से कितना ऊपर था? सर 100 रुपये ऊपर है, तो बस यहां लिख दो 10 लाख। समझ आया मैंने क्या बोला? आपने इसको इन्फ्लेट करा, यहां पे लॉजिकली तो 5 लाख होना चाहिए क्योंकि कॉस्ट तो 5 लाख है, बट आपने 15 करा। कितना बढ़ा के करा आपने? 10 लाख। मैंने यहां 10 लाख बढ़ा दिया, क्या नेट नेट अभी भी 5 लाख नहीं हो गया? कोई फर्क थोड़ा ना पड़ा है सर। और मुझे बता दीजिए इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट। तो एक नई एंट्री आपकी लाइफ में आ गई, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट। पहले बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? सर सर ऐसा करी क्यों रहे हैं जब मतलब नेट तो अब दोबारा 15 है? बेटा एक प्रेजेंटेशन होती है बच्चे, हमें ये करना है बच्चे। सर क्या ये करने से प्रॉफिट में चेंज आया? कोई चेंज नहीं आएगा बेटा। अब मेरी दूसरी बात समझना सर। सर बोलो बेटा दूसरा चेंज क्या होगा सर इसमें? दूसरा चेंज बड़े ध्यान से देखना मेरे बच्चे, बच्चे मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, कौन से कलर से करूँ? रेड से ही कर दो सर, जो चेंज है सर। भाई साहब, भाई साहब, क्लोजिंग स्टॉक कि 50 की कॉस्ट नहीं दिखाओगे भाई साहब, 150 दिखाओगे। OMG, हमारा जो स्टॉक था वो तो 50 रुपये की कॉस्ट पे था, आपने बोला था कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, अब आप गलत बोल रहे हो। पहले आप गलत पढ़ाते हो फिर आप बाद में बताते हो। आई एम सॉरी की बात नहीं है, पहले मेरे को आपका एक लेयर बनानी है फिर दूसरी लेयर, ऐसे करते करते सीढ़ी चढ़ाता जाऊँगा। समझ रहे हो? एकदम से थोड़े ना सारे लॉजिक आते हैं सर। ठीक है आइए, तो सर ये क्या हो जाएगा? 15, 1, 2, 3 कितना हो गया ये? 50,000 की जगह क्या हो जाएगा ये? बोलो ना बेटा,
150,000। सर इसमें कुछ चेंज आएगा? ना 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 ना, इसमें क्या बात का चेंज आएगा, खुद ही दिमाग लगा के देख लो, इसमें मार्जिन कौन सा भाई, इसमें कौन सा मार्जिन, कुछ भी नहीं। तो 150 + 35 + 10, तो ये फिगर हिल जाएगी मेरी। सो इट इज 154,500। सो इट इज 154,500। आई बात समझ? हाँ सर आई बात समझ। सर आपने ये करा इससे तो प्रॉफिट हिल जाएगा। बेटा अभी मैंने पूरा काम करा कहा है, प्रॉफिट नहीं हिलने दूंगा आपका बच्चे। आप यहां पे लिखेंगे 2 stock reserve। यहां पर क्या लिखोगे आप? स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व का मतलब जितना भी आपने स्टॉक की वैल्यू इन्फ्लेट कर दी उसको काउंटर यहां भी कर दो टू नलिफाई। ठीक है सर, पहले कितना यहां पे लिखा हुआ था 50,000, आपने कितने से बढ़ा दिया 1,00,000, तो यहां भी 1,00,000 से बढ़ा दो। यानी कि बेसिकली मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, मैंने आपका प्रॉफिट को बिल्कुल नहीं लाया बेटा। जितना अगर मैंने यहां पर आप अगर अपने रजिस्टर से रेफर करोगे 10,00,000 बढ़ाया था, तो यहां पे कितना लिख दिया 10,00,000, तो कैंसिल हो गया। यहां पे 1,00,000 बढ़ाया तो यहां पे क्या लिख दिया 1,00,000। तो बेसिकली कुछ नहीं हुआ आपका। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, मुझे पहले ये वर्ड लिख देना चाहिए था, इसको बोला जाता है बेटा लोडिंग, और इसको बोला जाता है स्टॉक रिजर्व। यानी कि जितने भी रुपए से आपका क्लोजिंग स्टॉक को आपने ओवर वैल्यू करा है, आपने एक स्टॉक रिजर्व बना दिया उतने अमाउंट से। एंट्री क्या हो गई सर? कंसाइनमेंट टू स्टॉक रिजर्व, कंसाइनमेंट टू स्टॉक रिजर्व। मुझे बताइए कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। यानी कि कुल मिला के इनवॉइस प्राइस की वजह से 2 चेंज आए। हाँ बेटा हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। आइए सर आगे चल के कुछ आएगा? बिल्कुल आएगा बेटा, अब समझते जाना क्या क्या चेंज हो गए। सर कंसाइनी अकाउंट में कोई चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं है भाई, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। आइए ये क्या हो गया, कंसाइनमेंट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट कितना हो गया? 15,00,000। तो कितना हो गया? ये हो गया सर 15,00,000, 2, 3, 4, 5। तो इसमें चेंज आया? बिल्कुल सर इसमें चेंज आया। इसके बाद गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट की एक और एंट्री डालिए बेटा, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट। एक सेकंड बच्चे, मैं इसका थोड़ा सा राइटिंग पैड का उपयोग कर लूँ। टू कंसाइनमेंट कितने से इन्फ्लेट करा सर आपने? 10,00,000। तो जो बच गया वो कहाँ चला जाएगा? ट्रेडिंग एंड पीएनएल। कितना? 5,00,000। तो ये 15,00,000, ये भी 15,00,000। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो सेम ही गया सर फिर तो। ट्रेडिंग में पहले भी कितना भेजा था? 5,00,000। अभी भी कितना भेजा? 5,00,000। क्लोजिंग स्टॉक बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर आप क्या करोगे? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपकी बढ़ चुकी है, कितने रुपये से बढ़ गई थी? तो आपका 154,500 हो गया बेटा क्लोजिंग स्टॉक। ये देखिए 154,500। सर कैरेट डाउन में, सर क्लोजिंग स्टॉक को भी यहाँ पे कुछ कम करोगे? बेटा एंट्री में डला है क्या कुछ? मैंने एंट्री क्या डाली है क्लोजिंग स्टॉक को? देखो एंट्री क्या डली हुई है, क्लोजिंग स्टॉक टू कंसाइनमेंट
तो क्लोजिंग स्टॉक टू कंसाइनमेंट, उसके बाद एंट्री क्या डली है, कंसाइनमेंट टू स्टॉक रिजर्व, तो क्या क्लोजिंग स्टॉक हिल रहा है इसमें? नहीं सर, तो कहाँ से हिलेगा? कैरेट डाउन आपका क्या आ जाएगा, ये 154,500, तो ये आपका क्या चला गया, 154,500. सर अब क्या करोगे बेटा, एक अकाउंट बनेगा दैट इज कॉल्ड स्टॉक रिजर्व. एंट्री क्या डालिए बेटा, कंसाइनमेंट टू स्टॉक रिजर्व, तो यहां पर क्या आ जाएगा, बाय कंसाइनमेंट कितना अमाउंट है सर, 1,00,000 लिखा था ना बेटा, और यहाँ क्या आ जाएगा सर, टू बैलेंस कैरेट डाउन, ये भी बंद. और स्टॉक रिजर्व, बेटा एक बात बताओ, स्टॉक रिजर्व जो है क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर कैरेट डाउन यहाँ पर आया है तो ये लायबिलिटी साइड में जाना चाहिए, मतलब ये 1,00,000 रुपए कहाँ दिखना चाहिए, लायबिलिटी साइड में, लेकिन मैं इसको कहाँ दिखा दूँगा, लेस करके दिखा दूँगा स्टॉक रिजर्व वन लाख, सो इट इज 54,500. सर ये तो फिर वही बात आ गई, 54,500 ही तो था पहले भी, अभी भी वही है बच्चे, कॉस्ट पे प्रिंसिपल तो वही है ना, क्लोजिंग स्टॉक को 54,500 पे ही दिखाना, वो साइंटिफिक तरीका आ गया बस थोड़ा, कि जितना भी इन्फ्लेट करा मैंने क्लोजिंग स्टॉक को, उतने ही अमाउंट से स्टॉक रिजर्व बना दिया, स्टॉक रिजर्व का लेजर बना दिया, उसका जो लेजर का नेचर है वो लायबिलिटी है, आप लायबिलिटी में दिखा लो या एसेट साइड को कम कर लो, एक ही तो बात है. मुझे बताइए आई बात समझ, हाँ सर समझ तो आई है सर. कोई दिक्कत यहां तक? तो ये आपका फाइनल, आप ये कह सकते हो कि ये क्वेश्चन आपका बना कि हाँ भाई इनवॉइस प्राइस का भी कॉन्सेप्ट आ गया, सेल का भी कॉन्सेप्ट आ गया, ये पूरा का पूरा आपके सामने कहानी आ गई सर. सर इसके बाद अब आप क्या और कोई कॉन्सेप्ट बचा है सर? पहले बेटा कॉन्सेप्ट तो बचा हुआ है बच्चे, कॉन्सेप्ट है नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का. ठीक है, तो मैं आपके साथ अब कॉन्सेप्ट जो डिस्कस कर रहा हूँ वो डिस्कस कर रहा हूँ नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस. ठीक है सर, इस क्वेश्चन में नहीं डालोगे? नहीं बच्चे, भारी हो जाएगा आपके लिए. ठीक है, भारी हो जाएगी सर वो बात. आइए बच्चे ये ना अभी, चलिए तो ऐसा करेंगे, ये लॉस वाला जो है, चलो मैं इसी में ही बताऊंगा आपको. आपका लॉस जो होता है तो पहले लिख लेते हैं जो लिखवाना है मैंने, या तो वो नॉर्मल लॉस होता है, या फिर वो एबनॉर्मल लॉस होता है. नॉर्मल लॉस की हमें कोई एंट्री नहीं डालनी, एबनॉर्मल लॉस की एंट्री समझना, मैं अभी समझा नहीं रहा हूँ आपको, सिर्फ नोट्स बनवा रहा हूँ. एबनॉर्मल वेस्टेज डेबिट इंश्योरेंस कंपनी डेबिट,
to consignment. बताइए, कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं, एक बार सिर्फ और सिर्फ ये लिख लो, ठीक है? और यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ वो जब ये लिखोगे ना तो वो नोट में लिख लेना। पहले मैं समझा देता हूँ एक बार बेटा, नॉर्मल लॉस वो होता है जो कि मुझे पता है कि होना ही होना है, होना ही होना है सर वो लॉस, ठीक है? और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? जो कि मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है? जैसे कि अगर मैं इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ, मुझे पता है कि यार 2-4 मार्कर साल के, मतलब 30-40 मार्कर गायब हो जाएंगे, 30-40 ज़्यादा हो गया चलो, मतलब साल के अगर मैं टोटल मान लो 100 मार्कर खरीदता हूँ तो 5 मार्कर खो गए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो वो नॉर्मल होता है, ऐसे हर बिजनेस में पता होता है। एक ट्रक में जब बहुत सारे गुड्स आ रहे होते हैं ना, मान लो 10 करोड़ के गुड्स आ रहे हैं, अगर उसको पता होता है कि 4-5 लाख के गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ट्रक में, जैसे आप देखते हो ना वो जो कांच की बॉटल्स होती हैं पेप्सी कोका कोला की ट्रक में जा रही होती है क्रेट में, तो क्या सर वो सारी की सारी एकदम सही पहुंचती होंगी? हो सकता है बेटा 10-20 बॉटल्स टूट जाती होंगी, समझ रहे हो? सो दैट इज नॉर्मल लॉस, उसका हमें कुछ नहीं करना होता, कोई एंट्री नहीं। सर क्या उसकी हम इंश्योरेंस करा सकते हैं? बेटा नॉर्मल लॉस की इंश्योरेंस नहीं होती। तो ये लाइन आप लिख सकते हैं, नॉर्मल लॉस इज नॉट अ इंश्योरेबल लॉस। इंश्योरेंस कंपनी को पता है ये तो होना ही होना, इस बात की इंश्योरेंस क्यों कराएं हम, समझ रहे हो? वेयर एज एबनॉर्मल क्या होता है? सर ट्रक में गुड्स जा रहे हैं और सर 1000 बॉटल्स थी ट्रक में पेप्सी की, 1000 में से 500 डिस्ट्रॉय हो गई, बताओ ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? सर ये एबनॉर्मल है। अगर 10 डिस्ट्रॉय होती, 50 डिस्ट्रॉय होती तो नॉर्मल होता है। सर ये कैसे डिसाइड करोगे, ये कहीं लिखा हुआ है? बट इट डिपेंड्स अपॉन बिजनेस टू बिजनेस, साइज ऑफ द बिजनेस। तो 1000 में से 500 डिस्ट्रॉय होना इज अ बिग अमाउंट, इज अ बिग बिग नंबर ऑफ बॉटल्स, तो एबनॉर्मल है। क्या उसका इंश्योरेंस होता है? सर होता है सर, जैसे कि अर्थक्वेक, फायर, थेफ्ट, सुनामी, ये सब एबनॉर्मल होते, दिस आर नॉट नॉर्मल दैट दे वुड अकर। लाइक जैसे अभी कोरोना वायरस है, इज इट अ नॉर्मल लॉस? नो, इट इज एबनॉर्मल। क्या इसके अगेंस्ट हेल्थ इंश्योरेंस मिलती होगी? मिलती होगी सर, इंश्योरेंस होती है सर, क्लियर है? तो ये लॉस का मैंने मतलब बताया। नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपके साथ जो डिस्कस करूंगा वो एक नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट, एक क्वेश्चन कराना है बस मेरे को आपको, और ये एबनॉर्मल वेस्टेज और ये चीज बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, कि क्या है, ठीक है? तो ये वीडियो इतनी रखती है क्योंकि सर डिस्क फुल हो रही है, लेट मी जस्ट कनेक्ट दिस।